हेलो गाइस, मैं हूं अमित और भाई साहब आज हम आ चुके हमारी इस बाइक के साथ में। दोस्तों इस बाइक के ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाई हुई है और ये वही बाइक है जिसको हमने बिना ड्राइवर के भी चलाया था। लेकिन गाइस आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा जो है खतरनाक भी, बहुत ही ज्यादा धमाकेदार भी। तो गाइस आप लोगों के लिए हम ऐसी चीजें करते रहते हैं, क्या करेंगे गाइस, सिंपली आपको पता है जब रोड के ऊपर बाइक चलती है और अगर बाइक की टक्कर किसी और व्हीकल के साथ में हो जाती है तो सबसे ज्यादा जो बिगड़ता है वो बाइक का या फिर बाइक सवार का ही बिगड़ता है। तो आज हम क्या करेंगे कि जो बाइक है उसका लाइव क्रैश टेस्ट करेंगे आप लोगों के सामने, और वो भी हमारे इस ट्रक के साथ में। दोस्तों ये जो है एक फुल साइज का ट्रक है, काफी ज्यादा पावरफुल है और आज ट्रक जो है वो जाकर के ठुकेगा इस बाइक के अंदर और आप लोग बड़े ही ध्यान से देख पाएंगे कि प्रॉपरली धीरे धीरे क्या होता है जब एक बाइक में एक ट्रक जो है वो टकराता है या फिर कोई भी व्हीकल टकराता है। आप जो है आपको अच्छे से देखने को मिलेगा कि जो बाइक है जब उसके अंदर ट्रक टकराएगा तो कैसे कैसे करके बाइक टूटेगी, कहां कहां डैमेज होगा और हमको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आई होप किसी के साथ भी ऐसा ना हो, लेकिन गाइस रियल लाइफ में होता है एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मजा आएगा और यहां पर सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि किसी का कोई नुकसान भी नहीं होगा, किसी की जान के ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं है और हमको जो है एक नई चीज भी देखने को मिलेगी। तो गाइस आपका भी फर्ज बनता है कि ऐसी जो वीडियोस हम आप लोगों के लिए करते रहते हैं, इतना कुछ करते रहते हैं गाइज, उसमें जो है काफ़ी खर्चा भी होता है, काफ़ी मेहनत भी लगती है, पूरी टीम काम करती है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है गाइज कि इस वीडियो के लिए गाइज एक लाइक का बटन जरूर से दबा देना, ठीक है, क्योंकि आप अगर लाइक करते हो ना तो हमको मिलता है बहुत सारा मोटिवेशन। आपके लिए तो एक लाइक है, आपको जस्ट एक सेकेंड लगेगी लाइक का बटन दबाने में, लेकिन गाइज हमको उस लाइक के बटन से इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है गाइस और वीडियोस बनाई जाए और यहाँ पर जो है मस्त मस्त नई नई चीजें आपको दिखाई जाए, और इसीलिए हम जो है नई नई चीजें आपके लिए करते रहते हैं। लाइक बटन ठोकना बिल्कुल ना भूलना। आज का टारगेट रख रहे हैं 1.5 मिलियन की 15 लाख लाइक्स का, जल्दी से पूरा कर दीजिए। फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर एक चीज मैं आपको पहले ही बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो में दिखाई गई किसी भी चीज को किसी भी तरीके से ट्राई मत करना। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, आपको ये दिखाना है कि जब एक बाइक की ट्रक से टक्कर होती है, किसी भी व्हीकल से टक्कर होती है तो क्या होता है, आपको स्लो मोशन में देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे गाइस कैसे जो है ये टकराती है, ये जो ट्रक है ये बाइक का क्या हाल कर सकता है। तो अब जो बाइक है और जो ट्रक है उनको पोजिशन में लगाते हैं और सिंपली आपको पता है क्या करना है, दोनों को आपस में लड़वाना है। इनफैक्ट बाइक एक जगह पे रहेगी और जो ट्रक है वो आकर के बाइक में घुस जाएगा, क्योंकि अगर कोई ऑब्वियसली बाइक को नहीं चला पाएगा, अगर वो बाइक चलाते हुए घुसेगा तो उसको ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर बाइक पे कोई रिस्क नहीं लेंगे, बाइक खड़ी रहेगी, ट्रक आते हुए घुस जाएगा, ठीक है। तो बाइक को लगाते हैं, ट्रक को लगाते हैं। तो गाइस अब जो है सब कुछ रेडी है, यहाँ पर ट्रक और बाइक आमने सामने खड़े हैं, अब बारी है तो सिर्फ और सिर्फ टक्कर होने की। गाइस आपको क्या लगता है क्या डैमेज होगा, सोचो जरा और उसको बाद में आप कंपेयर करना। यहाँ पर हमारे पास में बहुत ज्यादा जगह भी नहीं है ट्रक को पीछे ले जाने के लिए, तो स्पीड है वो उतनी ज्यादा भी नहीं बन पाएगी। लेकिन गाइस ये अपने आप में एक ट्रक है और आपको पता है ट्रक का वेट इतना ज्यादा, यार 8 टन इसका वेट है, 8 टन के सामने यहाँ पर 150 किलो की बाइक जो है वो टकराने वाली है। और जब इस बाइक को हमने खड़ा किया ना, तब जाकर के दिख रहा है कि इस बाइक का सिर्फ जो सर है ना वो ही ट्रक के लेवल में आ पा रहा है, क्योंकि इसका साइज ही इतना ज्यादा बड़ा है। तो गाइज अब बिना देर किए जो है ट्रक को बाइक में ठोकते हैं। अब जो है मेरा दिल है वो थोड़ा थोड़ा तक 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 भी करने लग गया है, लेकिन गाइज आप लोगों को जो हमने कहा है उसको हम डेफिनेटली करेंगे। चलो तो गाइस हम जो है फाइनली ट्रक के अंदर आ चुके हैं और अब जो मेरा दिल है वो धक 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 करने लग गया है। वैसे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो बाइक है उसका लेवल काफी नीचे ट्रक से, बट स्टिल हमें काफी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो अब गाइस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ट्रक एकदम मस्त बढ़िया स्टार्ट हो चुका है, रिवर्स गियर डालते हैं गाइस, इसमें रिवर्स गियर भी आगे डलता है कुछ इस तरीके से, हैंड ब्रेक हटाते हैं, ठीक है, ट्रक को पीछे लेते हैं पूरा जा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम बाइक से लगभग 101 फीट जो है पीछे आ चुके हैं और अब जो है फर्स्ट गियर डालते हैं, ठीक है भाई, चलते हैं, स्पीड बनाते हैं ट्रक की। और एक गड्ढा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक
तो गाइस बस यही दिक्कत होती है जब ट्रक के साथ में बाइक भिड़ती है ना। ये देखो जो बाइक है वो एक ही टक्कर के बाद में ऐसी हो चुकी है। डाउ 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 ओ तेरी ये उखड़ गया। ओ हो भाई साहब हैंडल गया। अरे यार एक बार सामने से देखो गाइस, ये देखो एक बार इसको ऐसे घुमा सकते हैं गाइस। मुझे लगता नहीं कि मुझे यहाँ पर जो है कुछ भी कहने की ज़रूरत है। आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है। ओहो भाई साहब बैटरी लटक गई है बाइक की और आप लोग देख ही सकते हो ये भी टूट गया यहाँ से पूरा। लाइट लाइट कहाँ है? लाइट थी भी या नहीं थी इसमें? थी ना यहाँ से भी मुड़ गया। एक साइड तो पूरी ऐसी तैसी हो गई इसकी। टायर के नीचे भी दबी है क्या? नहीं क्योंकि यहाँ तक घिसट के कैसे आ गई फिर? ये सामने से टिकी है बस इसके। अरे मुझे लगता है वो एक्सल में या कहीं ना कहीं आकर के ये यहाँ तक घिसट के आ चुकी है। तो भाई साहब आप लोग देख सकते हो कि एक बार ट्रक के टक्कर से बाइक के अंदर क्या डैमेज हो सकता है। और यहाँ पर जो स्पीड थी ना वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लगभग 30-35 की स्पीड इतनी रही होगी ना, 30-35 भी मुश्किल से होगी, लेकिन उतने में भी जो बाइक है उसका क्या हाल हो चुका। तो गाइस बाइक तो हो चुकी है ख़राब। अब एक काम करते हैं इसको यहाँ रखते हैं और ट्रक को इसके ऊपर चढ़ाते हैं। तेरी ओ हो भाई साहब इस बार तो कुछ ना कुछ हुआ है गाइस। इस बार मुझे जो है वास्तव में बड़ी खतरनाक आवाज आई। एक बार देखो पूरा धूल मिट्टी उड़ चुकी है। आई डोंट नो क्या हुआ है। ओहो इस बार तो टायर चढ़ गया क्या? इस पे टायर चढ़ के निकल गया। और गाइस मैं तो और भी आगे इसको निकाल देता लेकिन दिक्कत ये थी कि आगे जो है ना ये खाई सी थी तो इसमें हम ट्रक को नहीं दे सकते थे। बट आप लोग देखो कि जो ट्रक है वो इसके ऊपर चढ़ चुका है। मुंडी जो है बाइक की पूरी इस बार टूट चुकी है। अरे यार ये तो इसमें फंस गई है। अरे यार आगे करूँ या पीछे करूँ? ये तो जो है इसमें पूरी तरीके से सेट हो गई है। चलो इसको इसमें बाहर निकालते हैं। गाइज यहाँ पर जो ट्रक है वो बाइक के ऊपर कुछ बार चढ़ा और बाइक की हालत हाई साहब एक बार खड़ा करें इसको, जरा थोड़ा सा उठाना इसको।
गाइस ओ तेरी भैंस की आंख भाई साहब, ये बाइक ही नहीं लग रही यार कहीं से। ओए ओए पेट्रोल निकल रहा है, ओ तेरी। अरे यार हम इसको गाइस नहीं बस इतना ही आ रहा है क्या, टेढ़ा करने पे कहीं फंसा हुआ है। बाइक की जो टंकी है वो एकदम फ्लैट हो चुकी है, देखो एक बार साइड से। बाइक की हाइट भी कम हो चुकी है, बाइक की हाइट देखो, बाइक जो है मेरे यहीं पे ही आ रही है। ऐसे लेवल में दिखाओ एक बार, देखो गाइस बाइक मेरे यहीं पे आ रही है। नॉर्मल बाइक यहाँ तक आती है, हैंडल यहाँ होता है। अभी हैंडल है कहाँ, हैंडल कहाँ है? अरे यार जो हैंडल है वो गाइस यहाँ पर है, हैंडल यहाँ पर है। हैंडल तो बाकी है, अभी बस हैंडल ही बाकी है। ओए तेरी क्या चुभा, कोई वायर का टुकड़ा है। अबे यार ये साइलेंसर देखो हाल। गाइस ये थोड़ा सा गर्म है, इसको रहने देते हैं, इसको थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं, क्योंकि बाइक को हम चला कर लाए थे तो ये जो गर्म हो चुका था। हालत देखो एक बार, अरे अलॉयज देखो गाइस, पीछे का अलॉय यहाँ से जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पीछे अलॉय नहीं, हटना एक बार साइड में होना थोड़ा सा, देखो आर पार दिख रहा है इसमें। तो भाई साहब कुल मिलाकर के जो बाइक है वो बाइक नहीं रही है, बाइक का सब कुछ टूट चुका है, हैंडल से लेकर के टंकी से लेकर के सीट से लेकर के टायर और सब कुछ, इंजन ब्रेक सब कुछ जो है बिल्कुल यहां पर गाइस डैमेज हो चुका है। और ऐसा सब कुछ करने का जो रीजन था गाइस वो ये था कि जो हमारा ट्रक है उसके अंदर इतना ज्यादा वेट है, 8 टन वेट है। आ जाओ एक बार ट्रक का डैमेज भी देख लेते हैं गाइस। ट्रक्स इसीलिए इतने खतरनाक हो जाते हैं कि देखो बाइक की क्या हालत इसने कर डाली। देखो एक बार ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब कि एक निशान भी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता इसको देख के कि यहाँ पर कुछ हुआ भी है। कौन ये कहेगा कि इस ट्रक ने बाइक का ये हाल कर दिया है। एक बार हालत यार देखी नहीं जा रही वो, और इसके ऊपर जरा सा भी निशान नहीं है, तो इसकी पावर का अंदाज़ा भी आपको लग गया होगा। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि गाइस इनसे जो है थोड़ा सा बचकर चलो, इनसे थोड़ा सा दूरी बना के चलो तो ही फ़ायदे में है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी गाड़ी होती है, बहुत ज़्यादा चौड़ी भी होती है, बहुत ज़्यादा वजनी भी होती है, और इसीलिए अगर ये किसी दूसरी चीज़ से टकराती है तो उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है और इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। रिजल्ट आपके सामने है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो में मजा आया होगा, और आपने जो है आज कुछ नया देखा होगा। अगर आपने देखा है तो वीडियो के लिए गाइस लाइक का बटन जरूर से दबा देना। जो कुछ करते हैं वो सिर्फ आपको कुछ नया दिखाने के लिए करते हैं। मजा आया तो लाइक जो है गाइस कर देना। 1.5 मिलियन का टारगेट है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नहीं यार बड़ा तो नहीं, आपके लिए तो कुछ भी बड़ा नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।